नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला सर। आज करंट अफेयर का वीडियो हम देखेंगे और करंट अफेयर में वो पोर्शन जो नई अपॉइंटमेंट हुई है ना, वो अभी आने वाली जो परीक्षाएं आप देखेंगे उनमें से भर भर के ये प्रश्न आने वाले हैं। जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आप हमारे लिए लेकर आए हैं और हम इसका जवाब देंगे। तो शुरुआत करते सर, बिना देरी किए। ठीक सर, और कोशिश करेंगे पूरा फुल डिटेल में इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसके जो आपको आंसर है फुल डिटेल में मिले। जी जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जी, अनिल चौहान जी भारत के नए CDS बने हैं, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब मैं आपको बता दूं सर कि ये दूसरे नंबर के CDS है। दूसरे है जी। और पहले नंबर का कौन था? जनरल बिपिन रावत, उनका नाम आपने सुना होगा। हाँ, सर ये न्यूज में आया था कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ा था इसको। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, वो भारत के पहले CDS थे। सर दूसरा क्वेश्चन है, DRDO के नए अध्यक्ष? समीर वी कामत सर DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। समीर वी कामत, इन्होंने जगह ली है जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। और इसके हम थोड़ी सी फुल डिटेल में बात करें, स्थापना हो गया। हाँ, DRDO का सर, DRDO का फुल फॉर्म सबसे पहले आना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है। okay. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें से इतनी चीजें बच्चों को पता होनी, तीन चार क्वेश्चन इसमें से तैयार हो गया अगर से वो ऐसे रहेगा। हिंदी में भी इसका नाम याद होना चाहिए बच्चों को, जैसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मतलब। सर तीसरा क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन? सर नीति आयोग के जो नए CEO बने हैं वो परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं। ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। थोड़ा सा डिटेल के बारे में बात करें इसके, थोड़ा सा। सर जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका मतलब फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करें, 2015 में स्थापना हुई थी सर। इसके पहले ये संस्था थी लेकिन इसका नाम अलग था, प्लानिंग कमेटी था, लेकिन मोदी सरकार के आने के कारण इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो ये भी इम्पोर्टेंट बात है सर ना, कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो देश के प्रधानमंत्री इस समय है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री है, वो अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष का नाम भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सुमन बेरी नाम है। सुमन बेरी जी जी। ठीक सर, चौथा क्वेश्चन है हमारा, SSB के नए महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह, ये SSB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ओके जी जी। SSB का मतलब हो गया सशस्त्र सीमा बल, फुल फॉर्म हो गया सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था ना, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में सर। ओके। SEBI के नए अध्यक्ष? जी जी, SEBI के नए अध्यक्ष कौन बने सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो SEBI की नई अध्यक्ष बनी है ये एक महिला है और ये ऐसी पहली महिला है जो SEBI की अध्यक्ष बनी। इससे पहले जितने भी चेयरमैन थे SEBI के, कोई भी महिला नहीं थी, सब पुरुष थे। ये फर्स्ट एक भी क्वेश्चन हो जाता है ना। जी, फर्स्ट महिला जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। माधवी पूरी पूछ इनका नाम है। okay. तो ये SEBI की नई अध्यक्ष बनी है और पहली महिला अध्यक्ष है। SEBI की फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए बच्चों को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अब ये काम क्या करती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जैसे हम जहाँ भी पैसे निवेश करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी आप कह सकते हैं कि जैसे जीवन बीमा है कोई, जीवन बीमा या कोई बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वहाँ पैसे अपने निवेश करते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी करती है, हमारे पैसों की सिक्योरिटी करती है ये SEBI, कि हमारे साथ कोई भी कंपनी धांधली ना कर दे। इस हालांकि अभी सहारा का हो रहा है जी, अभी सहारा का जैसे केस चल रहा है SEBI का, तो ऐसे से ही होता रहता है। इसका जो स्थापना सर हुआ था 1988 में हुआ था, बम्बई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक सर जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? जी जी, भारत के जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी को भारत का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, जो हमारा संविधान है, संविधान का भाग 15 आप जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें आर्टिकल 324 से शुरू होता है, आर्टिकल 329 और 329A,
ये पूरा जो आर्टिकल है संविधान का भाग 15, ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग से संबंधित है और चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से संबंधित है ये आर्टिकल। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। जी जी जी। और आर्टिकल 324 जो है आपका वो चुनाव आयोग के लिए स्पेशली है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी। और ये भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? जी जी, संजीव कपूर, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर जी को बनाया गया है। और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूंगा सर, जो भारतीय वायुसेना है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, अंग्रेजों का जब टाइम पीरियड चल रहा था तभी इसकी स्थापना हो गई थी 1932 में। और डेट भी याद रखनी है, 8 अक्टूबर 1932 को। यही कारण है कि 8 अक्टूबर को हर वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CBDT के नए अध्यक्ष कौन है? जी, नितिन गुप्ता जी को बनाया गया है CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में। नितिन गुप्ता जी को बनाया गया है। CBDT मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1964 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है सर। दस्तक कर लीजिए, आज के इस वीडियो में 10 तक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष सर एस सोमनाथ को बनाया गया है। और इसरो के फुल फॉर्म भी मालूम होने चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है सर। ओके, ये कर्नाटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सोम मंडल इनका नाम है, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष बनाया गया और ये पहली महिला अध्यक्ष है। सेल का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका सर न्यू दिल्ली में है और 1954 में इसका स्थापना हुआ था। ओके सर, आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के अन्य करंट अफेयर हम देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी।